गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट में। हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 6 की साइंस की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्कीकरण, यानी कि पदार्थों को कैसे हम अलग करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमें पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, प्रकृति में कोई भी पदार्थ पाया जाता है तो वो कभी भी शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ज़रूर मिली रहती है। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें पदार्थों को पृथक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें मिक्सचर ऑफ मटेरियल की, अगर आपको मटेरियल का मिक्सचर दे दिया जाए, यानी कि कई पदार्थों को आपस में मिक्स करके दे दिया जाए, तो उन पदार्थों को आपस में अलग करना एक दूसरे से, यही कहलाता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्कीकरण। तो देखिए, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ मटेरियल है, मान लीजिए कि वो मटेरियल 1, मटेरियल 2 इन सब से मिल करके बना हुआ है, तो जितने मटेरियल से वो मिल करके बना है उन सभी मटेरियल को अलग अलग करना ही पदार्थों का पृथक्कीकरण कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कॉटन बॉल के बारे में पढ़ा था कि कॉटन का जो प्लांट होता है, इसमें जो फ्रूट लगता है वो कॉटन बॉल के रूप में होता है और इसके अंदर सीड भी होता है, लेकिन कॉटन के फैब्रिक बनाने के लिए, यानी कि कॉटन के कपड़े बनाने के लिए हमें कॉटन फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर निकालने के लिए हम लोग गिनिंग प्रोसेस करते हैं, ओटाई करते हैं इसकी, और ओटाई के द्वारा हम लोग कॉटन बॉल में से सीड को अलग कर देते हैं और हमें इस तरीके से कॉटन फाइबर जो है प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ भी देखा जाए तो एक तरीके से हम पदार्थ का पृथक्कीकरण ही कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए कि आयरन का जो ओर होता है, यानी कि अयस्क होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिली रहती है और इस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन विधि का जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आयरन जो होता है वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, इस ओर को पीस कर मैग्नेटिक बेल्ट पे पास किया जाता है तो जो ओर होता है वो मैग्नेटिक बेल्ट पे चिपक जाता है, लेकिन जो धूल, गंदगी और अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हट जाती हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन विधि के द्वारा हम जो है आयरन के अयस्क को उसकी अशुद्धियों से अलग कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जहाँ पे हम लोग जो है पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो सबसे पहले आइए नीड ऑफ सेपरेशन की ही बात कर लेते हैं कि आखिर पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए, पहला कारण जो इसमें बताया गया है वो है कि फॉर सेपरेशन ऑफ नॉन यूज़फुल मटेरियल, यानी कि अगर किसी पदार्थ में कोई ऐसा पदार्थ मिला है जो यूज़फुल नहीं है, जो बेकार है या जो अशुद्धि के रूप में है, तो हमें पदार्थ को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी उपयोगी पदार्थ है उस उपयोगी पदार्थ को हम लोग अलग कर लेंगे, यानी कि अशुद्धि से उसको हम अलग कर लेंगे, यानी कि पदार्थ अलग हो जाएगा और अशुद्धि अलग हो जाएगी और फिर यूजफुल मटेरियल को हम लोग यूज कर लेंगे। दूसरा इसका जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि फॉर यूजिंग सेपरेटली मटेरियल, यानी कि किसी मटेरियल को अगर हम अलग से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए कि दूध में क्रीम पाई जाती है, तो क्रीम अलग से तो नहीं होती है, वो दूध में ही मिली होती है, तो अगर हमको दूध में से क्रीम को निकालना हो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस पदार्थ को यानी कि क्रीम को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई ज़रूरतें होती हैं जिसके कारण हमें जो है पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पदार्थ में किसी तरह की अशुद्धि है तब भी हमें उसे अलग करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिक्स है और उसको हम अलग करके यूज करना चाहते हैं तब भी हमें जो है पदार्थ को अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि यानी कि पदार्थों को पृथक करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। देखिए, पदार्थों के पृथक्कीकरण का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कोई मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, उसमें से मटेरियल 1, मटेरियल 2, मान लीजिए कि दो मटेरियल से मिलकर बना है, तो दोनों मटेरियल को अलग कर देना ही क्या है, पदार्थों का पृथक्कीकरण है। अब देखिए, ये पदार्थों का पृथक्कीकरण पॉसिबल कैसे है, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि डिफरेंट इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, दो पदार्थ जो आपस में मिक्स हैं यदि किसी भौतिक या रासायनिक गुण में इनमें भिन्नता पाई जाएगी तभी जो है इनको अलग कर पाना संभव होगा, यानी कि कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो दोनों मटेरियल में अलग अलग होनी चाहिए, या कोई ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी हो जो एक मटेरियल में अलग हो दूसरे मटेरियल में अलग हो। तो किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के मामले में या किसी न किसी केमिकल प्रॉपर्टी के मामले में इन पदार्थों को डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप इनको जो है सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि उसी फिजिकल प्रॉपर्टी या उसी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप इनको जो है अलग करेंगे।
अब आइए देखिए इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आप एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले लें तो एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को आप डिस्टिलेशन विधि के द्वारा आप अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं? क्योंकि देखिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। पहले बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड से वेपर स्टेट पे कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे यदि किसी लिक्विड को गर्म कर दिया जाए उस टेम्परेचर तक, तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। अब वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों के मिक्सचर को जब हम लोग गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले जो है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी टेम्परेचर पे हम लोग इसको वेपर में कन्वर्ट करते रहेंगे और एक मटेरियल वेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज होने के बाद फिर से उसे कंडेंसेशन के द्वारा हम लोग जो है ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके उस पदार्थ को अलग कर लेंगे। और जो दूसरा वाला पदार्थ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो यहीं पर जो है रखा रह जाएगा। ये फ्लास्क आपको दिख रहा होगा, तो दूसरा वाला जो मटेरियल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो यहीं फ्लास्क में जो है वो रखा रह जाएगा, और पहला वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहाँ फनल में एकत्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा यानी कि आसवन विधि के द्वारा जो है हम दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिसबिल हैं, जो एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो हम इनको डिस्टिलेशन विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। जो एपरेटस यूज होता है वो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मिक्सचर को बॉयल कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम उसको जो है कंडेंस कर रहे हैं, यानी कि संघनन के द्वारा जो भी एक लिक्विड अलग होगा कम बॉइलिंग पॉइंट वाला उसको हम लोग जो है यहाँ पे अलग कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रही है, पहले इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, और बाद में जो है संघनन हो रहा है। और वाष्पन प्लस संघनन इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम लोग जो है आसवन बोलते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन किया है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि आसवन विधि जो होती है इसको कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, यानी कि दो लिक्विड जो आपस में आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, ऐसे लिक्विड को यदि हमें अलग करना होगा तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। When both the component are miscible with each other and the difference in the boiling points of the liquid component is more than 20 to 25 degree Celsius. तो दोनों के boiling point में जो difference है अगर 20 से 25 degree centigrade के आसपास है या इससे ज़्यादा है तो हम उसे distillation विधि के द्वारा यानी कि आसवन विधि के द्वारा उसे हम अलग कर सकते हैं। अब देखिए पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियाँ यहाँ पर दी गई हैं, आइए इन विधियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली विधि है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हाथ से चुन करके जो है किसी चीज़ को अलग करना, यानी कि सूक्ष्मता से चुन चुन करके अलग करना, ये कहलाता है हैंड पिकिंग। जैसे मान लीजिए कि ग्रेन्स है, हम लोग गेहूँ खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तो उसमें चावल के दानों के साथ साथ उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी होते हैं, भूसी की मात्रा होती है, कुछ चावल के टूटे हुए दाने होते हैं, कुछ पार्टिकल ऑफ अदर ग्रेन भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको हम लोग आसानी से हाथ से एक एक करके बिन करके या चुन करके उसको अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि थ्रेशिंग की। देखिए थ्रेशिंग क्या होता है? अनाज के दानों को जो अलग करने की विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। देखिए क्रॉप होती है यानी कि फसल जो खेत में उगाई जाती है, पहले हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उनको खेतों से काट करके लाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ? बंडल ऑफ वीट या पैडी स्टॉक। अगर गेहूं का पेड़ है तो गेहूं का आपको जो है बंडल ऑफ वीट प्राप्त होगा, और अगर धान है तो पैडी स्टॉक प्राप्त होगा। अब उसकी हम लोग जो है थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग करते हैं तो थ्रेशिंग के द्वारा जो अनाज के दाने होते हैं वो भूसी से जो है वो अलग हो जाते हैं। इसमें देखिए मैंने लिखा है कि इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक्स, यानी कि जो आपने पैडी स्टॉक ले आए हैं आप खेत से काट करके, उसको जो है किसी ठोस आधार पे हम लोग उसको पटकते हैं, और जब उसको पटकते हैं तो वहाँ से जो चावल के दाने रहते हैं वो अलग हो जाते हैं और स्टॉक उसका जो रहता है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं और इसके लिए अलग से थ्रेशिंग मशीनें भी आती हैं, तो थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल करके भी इसको किया जा सकता है या बाई हैंड भी हम लोग इसको जो है कर सकते हैं।
अब तीसरी प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है विनोइंग। विनोइंग का मतलब ये होता है कि जो घास फूस होती है उससे अनाज को अलग करने का कार्य या फटकना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपने घर में देखा होगा कि जो चावल वगैरह होता है उसको हम लोग जो है फटक करके जो है उसमें से जो धूल गंदगी और कंकड़ वगैरह रहते हैं उसको अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है विनोइंग बोलते हैं। तो विनोइंग प्रोसेस में अनाज के जो दाने होते हैं उनको जो है घास फूस जो उसमें होती है उससे अलग करने की एक प्रोसेस होती है, और ये इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है कि हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स अगर हैं किसी मिक्सचर में तो हम उनको जो है विनोइंग प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में चावल को हम लोग जो है सूप में फटक करके उसमें जो गंदगी धूल गंदगी और घास फूस होती है उसको हम लोग जो है अलग कर देते हैं। तो इसमें देखिए करते क्या है कि इसमें पूरे मिक्सचर को एक जगह पर जो है ले करके उसको हम किसी हवा जहाँ पे ब्लो हो रही है उसके सामने गिराते हैं, और जब हवा के सामने गिराते हैं तो जो हैवियर पार्टिकल होता है वो नीचे गिर जाता है और जो घास फूस रहता है वो हवा के कारण जो है दूर जाके गिरता है। तो इस तरीके से जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो अनाज के दानों से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग। फोर्थ प्रोसेस की तरफ अब हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है सीविंग। देखिए सीविंग का मतलब होता है छानना। ये कब पॉसिबल होता है, जब पार्टिकल की साइज जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो अगर पार्टिकल की साइज डिफरेंट है तो हम उनको जो है किसी छलनी से छान करके जो है अलग करते हैं। जैसे देखिए आप आटे को जब चालते हैं तो उसमें से आटा अलग हो जाता है और उसकी जो भूसी होती है जो कि साइज में बड़ी होती है वो जो है अलग हो जाती है। तो इस तरीके से अगर दो पार्टिकल का मिक्सचर है जिनके साइज अलग अलग है तो छलनी का इस्तेमाल करके हम उन पदार्थों को अलग कर सकते हैं। फिफ्थ प्रोसेस की तरफ पढ़ते हैं, इसका नाम है सेडिमेंटेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अवसादन, यानी कि तलछट में जमना। तो किसी पदार्थ का जो है तलछट में जम जाना जो है वही कहलाता है अवसादन, या आप कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होना जो है। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई अगर हैवियर कंपोनेंट है किसी मिक्सचर में, अगर कोई कंपोनेंट भारी है तो वो हमेशा नीचे की तरफ जो है कुछ देर अगर उसको आप रख दें तो वो नीचे की तरफ जा करके सेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। अब देखिए जैसे कि कोई धूल गंदगी है किसी पदार्थ में मिली है, और धूल गंदगी अगर हैवी पार्टिकल के रूप में है तो अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो जो धूल गंदगी होगी वो नीचे की तरफ जा करके धीरे धीरे उसमें तलछट में सेट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब इसमें देखिए एक प्रोसेस और है जिसको हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। अब देखिए डिकेंटेशन यानी कि निथारना या निस्तारण, ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जैसे देखिए चावल वगैरह में अगर धूल गंदगी रहती है तो हम लोग उसमें पानी डाल करके उसको जो है निथार लेते हैं जो है। तो जैसे ही आप पानी डालेंगे जो भी उसमें धूल गंदगी होगी वो पानी के साथ जो है बाहर निकल जाती है और चावल को हम लोग जो है पानी निकाल के अलग कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन, यानी कि निथारना या फिर निस्तारण। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और दो ऐसे लिक्विड की बात करते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। यदि उनको एक साथ रखा गया है तो उनको हम कैसे जो है अलग कर सकते हैं। जैसे किसी बर्तन में थोड़ी मात्रा आप पानी की लीजिए और थोड़ी मात्रा आप तेल की लीजिए और उसको हिला करके मिक्स करने का प्रयास करिए। लेकिन मिक्स करने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे, शांत होने के लिए रख देंगे, तो थोड़ी देर के लिए जब आप उसको रख देंगे मिक्सचर को, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे तेल जो कि हल्का है वो ऊपर रहेगा और पानी जो भारी है वो नीचे रहेगा। डिपेंड ये करता है कि जो भी तेल आपने लिया है वो पानी से भारी है कि हल्का है। अगर हल्का यानी कि पानी जो होगा वो नीचे की तरफ तलछटी में आ जाएगा और तेल जो होगा वो ऊपर एक परत के रूप में होगा, फिर उसको आप जो है सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, इवेपोरेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बॉयलिंग के बारे में बताया कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अच्छा देखिए बॉइलिंग पॉइंट को हम एक और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर रखा होता है थोड़ी बहुत उससे वाष्प बनती रहती है, और अगर लिक्विड से वाष्प बन रही है तो उस वाष्प का अपना एक प्रेशर भी होगा जिसको आप वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लिक्विड से और ज़्यादा वेपर बनेगी, और ज़्यादा वेपर बनेगी तो उस वेपर का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर लगातार बढ़ाते रहें तो उसका वेपर प्रेशर भी लगातार बढ़ता रहेगा, और जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होने लगता है और लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण।
चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन की तरफ। ये इवेपोरेशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें वेपर जो है वो ठंडी होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, वाटर हो या कोई भी दूसरी वेपर हो सकती है, तो कोई भी वेपर जब ठंडी होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 25 डिग्री या ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हम उनको जो है आसवन विधि द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। और आसवन विधि में देखिए दो प्रोसेस आती है, एक आता है इवेपोरेशन और दूसरा आता है कंडेंसेशन। जैसे वाटर प्लस साल्ट प्लस सैंड, अब ये तीन पदार्थों का मिश्रण है। देखिए पदार्थों को पृथक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही विधि का उपयोग करें, हो सकता है कि दो तीन पदार्थ आपस में मिक्स हैं तो उनको अलग करने के लिए हमें एक से ज़्यादा विधि का भी उपयोग करना पड़ सकता है। जैसे देखिए पानी, नमक और सैंड, इन तीनों के मिश्रण को अलग करने के लिए यहाँ पे हम डिकेंटेशन का, फिल्ट्रेशन का, इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का, इन सभी विधियों का जो है एक साथ जो है इस्तेमाल करते हैं जो है। यानी कि पदार्थों का जो भी मिश्रण आपको दिया जाता है उनको अलग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही विधि का इस्तेमाल करके वो अलग होगा, हो सकता है कि उन पदार्थों को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हों। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए पानी में आप चीनी घोल रहे हैं तो पानी में जब थोड़ी सी चीनी की मात्रा आप डालते हैं तो वो मात्रा उसमें घुल जाती है, उसके बाद थोड़ी सी चीनी की मात्रा और डालेंगे तो वो फिर घुल जाएगी। इसी तरीके से यदि आप उसमें चीनी की मात्रा लगातार बढ़ाते जाएं, चीनी की और अतिरिक्त मात्रा का घुलना बंद हो जाता है, इसका मतलब कि वो विलयन जो है वो संतृप्त हो चुका है। तो संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलेय की और अतिरिक्त मात्रा को हम नहीं घोल सकते, उसी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन यदि हम विलयन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आप उसमें और विलेय की मात्रा को यानी कि और चीनी को आप घोल सकते हैं। तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है वही उसकी जो है संतृप्तता कहलाती है। और जब उतनी मात्रा आप विलायक में घोल देंगे तो जो विलयन तैयार होगा उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको आप लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट।